जय श्री स्वामी नारायण। यदि आपकी लाइफ में कोई दोस्त है या आप किसी के दोस्त हो तो ये कहानी अवश्य सुने। आशा है कि यह कहानी सुनकर आपकी दोस्ती और भी गहरी हो जाए। पूरे संसार में सबसे बढ़कर और अहम रिश्ता हो तो वो है दोस्ती का। कहानी है दो दोस्तों की, एक का नाम था नील और दूसरे का नीरज। दोनों बहुत ही करीबी दोस्त थे, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं वेरी क्लोज फ्रेंड। दोनों इतने जिगरी दोस्त थे कि एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकते थे, एक दूसरे को मिले बिना चैन नहीं पड़ता था। दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, सुख हो या दुख हर वक्त में एक दूसरे के साथ डट कर खड़े रहते थे। उसके आसपास के लोग तो वहां तक कहते थे कि ये दोनों दो जिस्म और एक जान है, दो शरीर लेकिन आत्मा एक। इतनी गहरी दोस्ती दोनों के बीच थी, एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को भी तत्पर रहते थे। एक दिन नीरज ने बहुत ही खूबसूरत सा मोबाइल लिया। सालों पुराना ख्वाब पूरा हुआ था, बहुत ही खुश था, सोचा कि सबसे पहले मैं मेरे दोस्त को दिखाऊं। नील के पास ये मोबाइल लेकर आया और कहा कि मैंने ये नया मोबाइल लिया। नील ने नीरज के चेहरे पे खुशी देखी और ये खुशी और भी बढ़ाने के लिए एक्साइटेड हो गया और कहने लगा कि वाओ, व्हाट अ मोबाइल, अमेजिंग, क्या फीचर्स है, क्या सिस्टम, क्या बैटरी की लाइफ है, क्या कैमरा, कहाँ से लिया, कैसे लिया, कितने में लिया। नीरज ने कहा कि मेरे यार, पूरे 35,000 रुपये खर्च करके लिया है। वाओ, इतना महंगा मोबाइल, यार पार्टी तो बनती है आज, छोटी छोटी चीजों पे पार्टी शार्टी बनती रहती है, लोगों को तो सिर्फ पार्टी का बहाना चाहिए होता है। नीरज को कहा कि यार पार्टी तो बनती है। नीरज ने कहा कि बता, तू बता आज कहाँ चले। नील ने कहा कि होटल पे खाना खाने चले शाम को। डन, फोन करके होटल में टेबल बुक किया। शाम को होटल पे मिलने की एक नई उम्मीद के साथ दोनों अपने अपने काम पे चले गए। लेकिन नीरज बहुत ही हैरान था, क्योंकि हाथों कह दी थी पार्टी के लिए लेकिन पैसे नहीं थे, क्योंकि जितने रुपये उसके पास थे उसमें से तो ये मोबाइल ले लिया था। अब क्या करे, और अपने दोस्त का मान और जबान टाल भी नहीं सकता था, अपने दोस्त को मना भी नहीं कर सकता था, क्या करूं सोच रहा था। और आप चौंक जाओगे ये सुनकर कि नीरज ने क्या फैसला लिया। जिस मोबाइल की खुशी की वजह से पार्टी होने वाली थी, वही मोबाइल अपने दोस्त की खुशी के कारण बेच दिया। कहानी खत्म नहीं हुई, अभी भी कहानी में ट्विस्ट है। शाम को दोनों होटल पे मिले, अपने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया, बहुत ही मस्ती के साथ खाना वाना खाया। खाना खाकर उठकर जा रहे थे, उसी वक्त नील ने बहुत ही खूबसूरत सी गिफ्ट निकाली और नीरज को गिफ्ट की। अब है कहानी में ट्विस्ट। नीरज ने जब बॉक्स ओपन किया तो देखा कि जो मोबाइल वो दुकान पे बेच कर आया था, वही मोबाइल ये बॉक्स में था। नीरज ने नील के सामने देखा और कहा कि मेरे भाई, ये सब क्या है। आंखों में आंसू आ गए। नील ने अपने दोनों हाथ नीरज के दोनों कंधे पर रखकर इतना कहा कि मेरे यार, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं ये भी जानता था कि तेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये भी जानता था कि तू ये दोस्ती निभाने के वास्ते किसी भी हद तक जा सकते हो, इसीलिए तू जिस दुकान पे ये मोबाइल बेच कर आया वही दुकान से मैं खरीद कर लाया हूं, और ये मेरी ओर से तुझे गिफ्ट। यही होती है सच्ची यारी। आज छोटी छोटी चीजें और अपने निजी स्वार्थ के लिए दोस्त बनाते हैं और स्वार्थ पूरे होते ही दोस्त को साइड कर देते हैं। ऐसे दोस्त तो दोस्ती के नाम पे भी कलंक है। इसीलिए हमारे गुरुवर श्री देव कृष्णदास जी स्वामी कई बार कहा करते हैं, अच्छे दोस्त बनो और बनाओ, लेकिन दोस्ती सच्चे दिल से निभाओ। सो इस वीडियो के माध्यम से आपकी दोस्ती और भी गहरी बने, ऐसी एक आशा और अरमान के साथ एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कविता आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वही सच्चा यार होता है जो हरदम साथ देता है, वही सच्चा यार होता है।
जो गिरते को थाम लेता है वही सच्चा यार होता है। चाहे कितने भी गम हो जिंदगी में, वो हंस के बांट देता है, पतवार बन जीवन की नैया को पार करा देता है, वही सच्चा यार होता है। राह दिखाकर सच्चाई की बुराइयों से बचा लेता है, सच्चा दोस्त वो दीपक है जो अंधियारे पथ को प्रदर्शित कर देता है, वही सच्चा यार होता है। कभी माँ की तरह समझाता है तो कभी पापा की तरह डांटता है, कभी कभी फरिश्ता बनकर हौसला बढ़ाता है और हमें हर गम और खुशियों से परे ले जाता है, वही सच्चा यार होता है। दोस्त वो नहीं जो दिल तोड़ देता है, थाम कर हाथ साथ छोड़ देता है। सच्ची दोस्ती तो मछली और पानी की तरह होती है, अगर जुदा करना चाहो तो अपना दम तोड़ देता है, वही सच्चा यार होता है। दोस्ती का रिश्ता दो अनजानों को जोड़ देता है, हर कदम पर जिंदगी को नया मोड़ देता है। सच्चे दोस्त तब साथ देते हैं जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है, वही सच्चा यार होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दोस्त वो नहीं जो अपनी जान देता है, दोस्त वो नहीं जो सिर्फ मुस्कान देता है। दोस्ती निभाने वाले तो वो है जो पानी में गिरा हुआ अपने दोस्त का आंसू भी पहचान लेता है, वही सच्चा यार होता है, वही सच्चा यार होता है। सो अपनी लाइफ में दोस्त बनो और बनाओ, और दोस्ती सच्चे दिल से निभाओ। ऐसा क्या जीना हर दिन मर मर के जिंदगी मिली है, जियो जी भर के। एक बात और, यदि आप इस बेहतरीन लाइफ की सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये सूरत गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जियो जी भर के। अस्तु, जय श्री स्वामीनारायण।